दोस्तों, आखिरकार अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि अगर उन्हें भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे लेकर जाना है और हथियारों की सप्लाई के मामले में रूस की बराबरी करनी है तो अमेरिका को भारत के साथ अपनी उच्च श्रेणी की तकनीक और असेंबली लाइन साझा करनी ही होगी, क्योंकि बिना इनके भारत अमेरिका के साथ कोई भी बड़ी रक्षा डील नहीं करने वाला। इसी के तहत अमेरिका ने अपनी सालों की जीत छोड़ दी है और आखिरकार अपना साल 2010 में किया गया वादा पूरा करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल दोस्तों, अब अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अगले 3 हफ्तों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने GEF-414 इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल असेंबली लाइन भी देने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन इस डील की शुरुआत साल 2010 में ही हो गई थी, जब जनरल इलेक्ट्रिक ने यूरोजेट को हराकर भारत से साल 2010 में 99 इंजन के ऑर्डर लिए थे, जिन्हें भारत अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इस्तेमाल करने वाला है। अमेरिका के ये इंजन विश्व के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली इंजनों में से एक है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। GEF-414 एरो इंजन लगभग 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और भारत इन इंजनों का इस्तेमाल अपने तेजस मार्क 2 फाइटर विमान में करने वाला है, जिसके भारत भविष्य में 6 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 108 फाइटर विमान खरीदेगा। और ये खरीद भी केवल शुरुआती दौर में की जाएगी, यानी कि भविष्य में भारतीय वायुसेना इसके 4 अतिरिक्त स्क्वाड्रन के ऑर्डर और दे सकती है। लेकिन अमेरिका के इन इंजनों का इस्तेमाल भारत केवल तेजस मार्क 2 जेट तक ही सीमित नहीं रखने वाला, बल्कि इनका इस्तेमाल भारत एमकॉम फाइटर विमान के शुरुआती 2 स्क्वाड्रन में भी करेगा और टेडबीएफ फाइटर विमान के प्रोटोटाइप में भी अमेरिका के इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत भविष्य में अमेरिका से लगभग 200 से भी ज्यादा GEF-414 इंजन खरीदने वाला है, जो कि अगर भारत अमेरिका से सीधे ऑफ द शेल्फ खरीद लेता तो हमें इसमें कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस डील की वजह से भारत को इन इंजनों की असेंबली लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा है। साथ ही इससे भारत और अमेरिका के संबंध भी काफी मजबूत होंगे। लेकिन भारत अमेरिका के साथ इस डील के बाद यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर एक नए 110 किलो न्यूटन क्षमता वाले इंजनों को बनाने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसे GEF-414 इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस नए इंजन को भारत अपने दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर विकसित करेगा, उस इंजन की 100% टेक्नोलॉजी के साथ साथ IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के पास ही होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अब आखिरकार भारत राफेल विमानों को लेकर अपनी बातचीत तेज कर रहा है, जिसके तहत न कि केवल ये बात कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि भारत अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत राफेल को ही चुनेगा, बल्कि ये बात भी साफ होते जा रही है कि बहुत जल्दी भारत स्वदेशी रूप से फ्रांस के साथ मिलकर एक हाई एंड एरो इंजन का विकास कर सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत की BDL और फ्रांस की सेफ्रॉन ने भारत के अंदर स्वदेशी रूप से M88 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत भविष्य में राफेल को ही अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत चुन सकता है, क्योंकि M88 वही इंजन है जिनका इस्तेमाल राफेल में किया जाता है। और अगर भारत भविष्य में राफेल को चुनता है तो इन विमानों के इंजन भारत आयात नहीं कर सकता, इसीलिए हो सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में राफेल के इंजन को स्वदेशी रूप से भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने की बातचीत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां एक तरफ भारत फ्रांस के साथ राफेल के इंजनों को लेकर बातचीत कर रहा है, वहीं पर हमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनकर अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका के लिए भी एक नए 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन का भी विकास करना है, जो कि हमारे लिए काफी अहम है। साथ ही भारत अमेरिका के GEF-414 इंजन को भी स्वदेशी रूप से भारत के अंदर बनाने वाला है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ जैसे फाइटर विमानों में करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फाइटर विमानों के इंजनों को लेकर भारत इस वक्त विश्व के 3 सबसे अच्छे इंजन निर्माता देश फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, वह भी कई अलग अलग तरह के इंजनों को लेकर, क्योंकि भारत को इस वक्त मौजूदा समय में 3 तरह के इंजनों की जरूरत है, जिसमें 84 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन क्लास और 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन शामिल है, जिनकी जरूरतों को पूरा करना भारत के लिए काफी जटिल प्रक्रिया बन गया है। हालांकि भारत अपने फाइटर विमानों के इंजनों की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है और कई देशों के साथ बातचीत भी जारी है, जिसमें भारत को काफी सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन अभी भी यह कह पाना संभव नहीं है कि अंत में भारत किस देश के साथ इंजन की डील करने वाला है, क्योंकि यह तो तभी पता चल पाएगा जब इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर कोई ठोस बयान सामने आएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों के लिए किस इंजन के साथ जाना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।